हेलो एवरीवन, आप सभी का दिन पर स्वागत है। मैं विश्वजीत सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, जो भी बच्चे कन्फ्यूज़न में हैं कि उनका आंसर सीट एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ, उन्होंने जो आंसर सीट अपलोड किया वो सक्सेसफुली सबमिट हुआ या नहीं हुआ, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपका सेकेंड फेज़ का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न है कि हमें सेकेंड फेज़ एग्ज़ाम देना है या नहीं देना। रीज़न क्या है इस कन्फ्यूज़न का दोस्तों? जो उन्होंने फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम दिया, ठीक है, फर्स्ट फेज़ का जो ओपन बुक एग्जामिनेशन दिया थर्ड ईयर के जो भी स्टूडेंट्स थे, तो उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा बच्चों को कि उनका जो आंसर शीट था वो सक्सेसफुली अपलोड हुआ या नहीं हुआ। अगर वो मान लेते हैं 2 सेकेंड के लिए कि उनका सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है और वो सेकेंड फेज़ के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, तो और रिजल्ट क्या आएगा ये पता नहीं है। अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है तो फिर एक पूरा साल बर्बाद होने जैसा लगता है, ठीक है। तो ये सारा रीज़न है जिसके कारण से सारा कन्फ्यूज़न बना हुआ है। अपना जो सोल के लिए सजेशन ये हो सकता था कि पहले फर्स्ट फेज़ का रिजल्ट अनाउंस करना चाहिए था, जो भी बच्चे की बैक आती फेल होते, ठीक है, जिनका एग्ज़ाम रह गया था उनका सेकेंड फेज़ का एग्ज़ाम कराया जाता। यहाँ पे कि ये भी बात होना जरूरी है कि सेकेंड फेज़ का एग्ज़ाम किस किस के लिए है। तो जो भी बच्चों का एग्ज़ाम रह गया था, मिस हो गया था, छूट गया था, वो बच्चे सेकेंड फेज़ का एग्ज़ाम देंगे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है कि हमारा आंसर शीट अपलोड जो किया था हमने, वो सक्सेसफुली अपलोड हुआ था या नहीं पता कैसे चलेगा भाई? तो दोस्तों, यहाँ पे बच्चों को कई सारे मेल भी आए थे। देखो, दो तरह से आंसर सीट अपलोड किया जा सकता था फर्स्ट फेज में, जिसमें आपका था एक तो ओपन बुक एग्जामिनेशन की जो साइट थी, OBE की साइट थी, वहाँ पर एक फैसिलिटी क्या थी कि डायरेक्ट ऑनलाइन साइट पर जाकर अपलोड कर दो। दूसरा क्या था, ईमेल के थ्रू, ठीक है, अपलोड कर दो। दो तरीके दिए गए थे कि ईमेल के थ्रू चाहे ऑनलाइन साइट पर जाकर अपलोड कर दो, ठीक है, ये समझ में आता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं जो ओपन बुक एग्जामिनेशन वाला जो साइट पर जाकर अपलोड किया, तो साइट पर अपलोड करते समय क्या हुआ, बच्चों ने अपलोड किया, सक्सेसफुली अपलोड भी हुआ, वहाँ पे सक्सेसफुली लिखा भी आया, पर बहुत सारे बच्चों को एक कुड नॉट कम्प्लीट का मैसेज आता है, मेल आता है, ठीक है, कि जो आपका आंसर शीट था, जो भी प्रोसेस था, वो कुड नॉट कम्प्लीट हुआ भाई, पूरा नहीं हुआ। रीज़न क्या है? तो देखो, OBE के अंदर में 4 से 5 स्टेप है, ठीक है, एक स्टेप बांटा हुआ है कि पहले ये फिर ये, ऐसे करके। अगर आप किसी भी स्टेप को छोड़ देते हो, टिक लगाना भूल जाते हो, तो जिसके कारण से ये दिखाता है कि आपका OBE जो प्रोसेस है वो पूरा नहीं हुआ, कुड नॉट कम्प्लीट। तो क्या इसका मतलब आपका आंसर सीट सक्सेसफुली सबमिट हुआ था या नहीं? तो दोस्तों, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपका आंसर सीट सबमिट नहीं हुआ था, आपका आंसर सीट सबमिट हो चुका है, बस कुछ स्टेप आपने छोड़ दिए वहाँ पे, ये बताता है, ठीक है। तो कोई घबराने वाली बात है नहीं उस मेल को लेकर, ठीक है। दूसरी बात हम करते हैं, जो दूसरा तरीका था सेंड करने का आंसर सीट, वो ईमेल के थ्रू था, ठीक है, जो OBE स्क्रिप्ट करके ईमेल आईडी थी उसके ऊपर सेंड करना था। अब इस ईमेल आईडी पे जब हम सेंड करते हैं कुछ भी, मतलब जो भी अपना आंसर सीट सेंड करते हैं, तो उस पर एक रिप्लाई आता है, नो रिप्लाई योर मेल रिसीव्ड, ऐसा लिखा हुआ आता है इस पे, नो रिप्लाई का। अब इसका मतलब क्या है, दोनों ही जो मेल आए आपको, पहले नो रिप्लाई वाला और कुड नॉट कम्प्लीट वाला, ये ऑटोमेटिक जनरेटेड मेल होते हैं, ठीक है। मतलब ईमेल आईडी पे कुछ ऐसी सेटिंग की जाती है जिसके कारण से कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन अगर वहाँ पे जाकर कुछ भी करता है, मतलब आपकी साइट पर कुछ भी करेगा, वहाँ पे मेल करेगा, कैसा भी कुछ भी, हाई भी लिखेगा, तो अपने आप ऑटोमेटिक रिप्लाई आएगा। मेल पे जिन बच्चों ने भी आंसर शीट सेंड करी है, उनको नो रिप्लाई का आंसर आया, वो रिसीव्ड का एक मतलब एक नोटिफिकेशन मान लो कि आपका जो आंसर शीट था वो रिसीव हो चुका है, मैसेज जो था रिसीव हो चुका है। अगर आप उसी ईमेल आईडी पे हाई लिखकर भी सेंड करोगे तो भी आपको वही मेल वापस से आएगा कि नो रिप्लाई योर मेल रिसीव्ड। रीज़न क्या है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक जनरेटेड मेल था। जो कुड नॉट कम्प्लीट वाला भी जो मेल आया था दोस्तों आपको, OBE प्रोसेस के थ्रू वाले में, मतलब जो आपने साइट पर भी आंसर सीट अपलोड करने के बाद, वो भी एक मतलब ऑटो जनरेटेड मेल था, ठीक है, रोबोटिक मेल आप कह सकते हो, जिसमें अगर कोई प्रोसेस छूट जाता है तो अपने आप कंप्यूटर क्या करता है, आपको वो मेल भेजता है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका आंसर सीट अपलोड नहीं हुआ है, डोंट वरी, आपका आंसर सीट अपलोड हो चुका है, ठीक है। और दोस्तों, कई सारे जो बच्चे थे जिन्होंने लेट एग्जाम सबमिट किया था, ठीक है, लेट दिया था, तो उनको भी डाउट था यार मेरा आंसर सीट अपलोड हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, कन्फ्यूजन था। तो मैंने बहुत सारे बच्चों को ये सजेस्ट किया था, ठीक है, इवन वीडियो भी बनाई थी मैंने, कि आप क्या करो अगर जिन बच्चों का भी लेट एग्जाम हुआ है वो क्या करें कि SOL को एक मेल करें, ठीक है, जिसके बाद SOL उसके ऊपर वर्क करे और वो उन्हें कन्फर्म करके बताए कि भाई आपका जो आंसर सीट है एक्सेप्ट हो चुका है, आपको दोबारा सेकेंड फेज के लिए अप्लाई नहीं करना है। सपोज करो मेरा लेट आंसर सीट जमा किया मैंने, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे लेट जमा किया, अब लेट जमा किया है तो भाई सेकेंड फेज में एक्सेप्ट हुआ है देना है मुझे या एग्जाम नहीं देना है, फर्स्ट फेज का एग्जाम मेरा एक्सेप्ट हुआ है नहीं हुआ, ये कन्फ्यूजन है। तो सोल ने
बहुत सारे बच्चों को रिप्लाई दिया, ठीक है, जिसमें ये बोला गया कि जो आपका आपने मेल किया है वो एक्सेप्ट हो चुका है, डोंट वरी, आपने लेट भी किया है तो भी एक्सेप्ट माना जाएगा, ठीक है, तो आपको दोबारा सेकंड फेज का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो आप दोबारा दे सकते हो, ठीक है, तो ये पूरा रहने वाला है, तो आप ज़्यादा कन्फ्यूज मत होइए, ठीक है, ये बस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, क्योंकि रीज़न ये है दोस्तों कि बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हैं, और कन्फ्यूज़न में वो सेकंड फेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या कुछ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान रहेगा, ये वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। साथ साथ दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड साथ साथ दोस्तों हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भी हैं, चाहे व्हाट्सअप हो, ट्विटर हो, ठीक है, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, आप उनसे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए हुए हैं, जाइए जुड़िए, फॉलो कीजिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड टेक केयर योर सेल्फ, बाय बाय।